एक और वायरल बॉक्स की शुरुआत। ये देखिए एक वायरल बॉक्स हमारे पास आ गया है अनबॉक्सिंग करने के लिए, तो हम इसको फटाफट अनबॉक्सिंग कर लेते हैं और आपको बताते हैं इसके अंदर क्या है, क्या सरप्राइज है आपके लिए। देखते हैं कुछ कुकिंग का है या कुछ गैजेट है। तब तक क्या आप वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए आपको कैसे लगा है, आप कैसे हो कमेंट में बताइए। होप आप अच्छे होंगे। हम इसका अनबॉक्सिंग करते हैं और अभी ही हमने अनबॉक्स कर लिया है और हमको इस बॉक्स के अंदर जो मिला है वो है ये देखिए, विकफील्ड की तरफ से कस्टर्ड पाउडर। ये कस्टर्ड पाउडर जो है ये वेनिला फ्लेवर का है कस्टर्ड पाउडर। तो देखिए मैं आपको इसका डिटेल में रिव्यू बताता हूँ। देखिए ये कस्टर्ड पाउडर है, मैं आपको इसका डिटेल में रिव्यू बताता हूँ। ये देखिए ये कस्टर्ड पाउडर है, देख रहे हैं आप, वेनिला फ्लेवर है। ये देखिए इस तरीके से आप कस्टर्ड बना सकते हैं, आइसक्रीम बना सकते हैं, कुल्फी बना सकते हैं। ये इसके कुछ इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे लिखे हुए हैं। ये देखिए किस तरीके से मिक्सिंग करना है, सजेशंस उन्होंने रेसिपी का कुछ सजेशन दिया हुआ है। ये आपको पूरे रेसिपी डिटेल में हमारे चैनल पे मिल जाएंगी। तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपको ये सब डिटेल मिलती रहेंगी। देखिए प्राइसिंग वगैरह भी उसका लिखा रहता है यहाँ पे। देखिए ये प्राइसिंग 142 रुपीज़ का है, लेकिन ये बेस्ट बाइंग लिंक से मैंने किस तरीके से इसे चीप रेट में 80 to 90 रुपीज़ के आसपास खरीदा है। तो मैं आपको उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप जाके इसको खरीद सकते हैं। तो चलिए हम फटाफट से इसको खोल लेते हैं। ये देखिए ये पूरा, एक चीज़ मुझे अच्छा लगा, इन्होंने बिल्कुल भी इसके अंदर प्लास्टिक यूज़ नहीं किया है। ये देखिए बिल्कुल भी प्लास्टिक यूज़ किया नहीं है। तो ये अंदर जो भी है पूरा, ये देखिए ये भी पैकेट है, ये देखिए ये भी कागज का है और ये भी पुट्ठा है। तो पूरा कागज का यूज किया है कुछ इसके अंदर। ये देखिए इस तरीके से येलोविश मटेरियल रहता है कस्टर्ड का, येलो कलर का। तो इसको हम कुकिंग के लिए यूज करने से पहले इसका एक घोल बना लेंगे पानी के अंदर। ये देखिए के अंदर से मैं आपको थोड़ा सा निकाल के दिखा देता हूँ। ये देखिए ये देखिए येलोइश मटेरियल रहता है, ये येलो कलर का है कस्टर्ड। तो इसको हम क्या करेंगे, एक कप में लेकर के इसका घोल बनाएंगे और उसके बाद में मिल्क के अंदर इसको ऐड करेंगे। तो हमें उसके अंदर के जो और अपने को अच्छे से एकदम इक्वल मात्रा में सब कुछ ये मिलेगा। यू मे ऑल्सो लाइक, ये देखिए बटर स्कॉच फ्लेवर भी है इसके अंदर, उसके बाद में केसर पिस्ता फ्लेवर भी आता है इसके अंदर, इसके अंदर मैंगो फ्लेवर भी आता है, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर भी आता है। और ये मैं आपको एक सजेस्ट करूँगा, ये नेट वेट जो है 500 ग्राम का, तो आप 500 ग्राम का ही लीजिए, क्योंकि 500 ग्राम का काफ़ी सस्ता पड़ता है। 100 ग्राम का अराउंड 30 to 35 रुपीज़ का आता है और ये है 500 ग्राम का 80 से 90 रुपये के बीच में मिल जाता है। तो आपका ऑलमोस्ट आप यदि कैलकुलेट करेंगे तो 150 रुपये 80-90 रुपये में मिल जाएंगे, तो आपका अच्छा खासा सेविंग हो जाएगा। तो इसमें एक 100 ग्राम का पैक आता है, वो ना लेते हुए आप ये वाला पैक लीजिए, ये मेरा सजेशन आपको रहेगा, ठीक है। तो इसमें नो एग करके है, इसमें एग नहीं है। तो ये वेजिटेबल लोग जो है, मतलब जो वेजिटेरियन खाते हैं वो लोग के लिए भी सुटेबल है 100%, और नॉन वेजिटेरियन के लिए तो कोई इश्यू है ही नहीं। तो आप देखिए ये यूज़ कीजिए, मैं पर्सनली रिकमेंड करता हूँ और ये पर्सनली हम यूज़ करते हैं कुकिंग के लिए। हमारे कुकिंग के सीरीज़ में भी आपको बहुत जगह पे यूज़ करते हुए ये दिख जाएगा। तो ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए, पैसा वसूल करने के लिए, इस महंगाई के ज़माने में सस्ते से सस्ता और अच्छा प्रोडक्ट यूज़ करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपना प्यार दिखाइए, वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, और ऐसे ही हमारे साथ में बने रहिए।
बार बार आ करके चैनल पे वीडियो देखने के लिए दिल से आप लोगों का धन्यवाद। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो।